ओम साई राम, आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। ऐसे ही हम रूबरू होते रहेंगे साईं भक्तों के साथ। आइए, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। क्या नाम है आपका? शिव कुमार चतुर्वेदी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से, कैलाश नगर से। हाँ जी, आप बाबा से कैसे जुड़े? मैं आपको बताऊं कि मैं ना यहाँ स्टार्टिंग में आज से 15 साल पहले आया था दिल्ली में। मैं 15 साल पहले आया था तो यहाँ मैं ना बहुत स्ट्रगल टाइम में आया था। जी बहुत संघर्ष की स्थिति थी। और बाबा जी को मैं जानता तो था, लेकिन परिचय कहते हैं, जो बाबा बुलाते हैं अपनी तरफ, वो आकर्षण जो है मेरे को दिल्ली में आकर के हुआ बाबा जी की तरफ। जी और उसके बाद जो है मैं सेज आरती में जाने लगा। मेरे पास जहाँ मैं रहता था पहले, कैलाश नगर, वहाँ साईं मंदिर है पुश्ते पे, तो वहाँ मैं जाने लगा और जाकर के ना आरती अटेंड करने लगा। सेज आरती अटेंड करने लगा मैं। तो मेरी मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं जॉब भी नहीं थी, और जिस पोजीशन में था मेरे बहुत हालत खराब थे। तो मैं बाबा जी के पास जाने लगा। बाबा जी से कहा मैंने, कहा मेरे को नौकरी अगर मिल जाएगी तो मैं शिरडी आऊंगा। तो मैं 4 महीने से संघर्ष कर रहा था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी दिल्ली में। बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद मैंने जो है मुझे जो है जैसे बाबा जी से मैंने कहा तो बाबा जी ने मुझे जॉब दिला दी। और मैं पहली बार जो है, पहले महीना था मेरा जॉब का, फर्स्ट मंथ, तो मैं जाने लगा। तो मैंने टिकट, मेरे पास कहीं से पैसे आए और मैंने टिकट करा ली। और मैं कभी कभी इतनी दूर सफर नहीं किया, कभी इतना लंबा सफर नहीं किया मैंने, और मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने टिकट करा ली, 3 महीने बाद की टिकट होती थी उस समय, तो मैंने 3 महीने बाद की टिकट कराई। और जो है जब जाने का टाइम आया तो मेरी जॉब चेंज हो गई। जॉब चेंज होने के बाद फर्स्ट मंथ, वहां भी फर्स्ट मंथ था मेरा, तो मैं वहां मैंने कहा मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं कैसे जाऊँ। बाबा जी से प्रार्थना करी मैंने, बाबा जी कैसे भी कुछ भी करो कि जो है मैं शिरडी आ पाऊं। और मेरे पास उस समय फर्स्ट मंथ था, तो मेरे पास बजट भी नहीं था जाने का। टिकट तो मैंने करा ली थी, जैसे तैसे जो भी है लो मैं तैयार हुआ और जाने के लिए। जिस दिन जाना था उस दिन जो है मैंने ऑफिस में अपने बॉस को कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए और मैं शिरडी जा रहा हूँ। तो कहते हैं भाई पहले मंथ है, आप जाओगे कैसे, अब मैं जो है इतनी लंबी छुट्टी दे नहीं सकता आपको। मैं बाबा जी करो कुछ, बाबा जी से प्रार्थना करी और मैं 5, 5:30, 6 बजे घर आ गया छुट्टी करके। तो मुझे बॉस का फोन आया, कहते हैं कि अगर शिरडी जा रहा है चल कोई बात नहीं। वो भी बाबा जी को मानते थे, बोले तू चला जा और ठीक है। 5 लोग और जा रहे थे जो मेरे परिचय में नहीं थे। अचानक ही सेज आरती में जब मैं पहुंचा तो मुझे बताया कि एक दिन पहले, जाने से एक दिन पहले, तो उन्होंने अचानक ही बोले कि मैं हम शिरडी जा रहे हैं। बोले कब जा रहे हो, कि कल जा रहे हैं। ऐसे करके जो है बाबा जी ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, और मैं ऐसे दर्शन हुए कि जो है मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब शिरडी पहुंचा और कब शिरडी से वापस आया। उस दौरान मेरी बर्थडे भी थी, तो वहां लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया मेरा। और मैं जो है आज तक बाबा जी से इतना लंबे टाइम तक जुड़ा रहा, और जो है ना बाबा जी ने मुझे बहुत सहारा दिया जी। आप कुछ बाबा से बहुत प्रार्थना सहारा करना दिया। चाहते हो? और है जी, आप बाबा से कुछ प्रार्थना करना सॉरी, चाहते हो? बाबा जी से मेरी यही प्रार्थना है कि जो है सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय होना चाहिए, सबका सुख हो, कोई दुख ना हो, मानवता जीवित रहे। जैसे मुझे सहारा दिया, सबको सहारा दे। जी। और इस दौरान मैंने एक ऐसे महान पुरुष से मिला, दो लोगों से मिला मैं इस दौरान। सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन दो विशेष लोगों का उल्लेख करना चाहता हूँ। एक श्रद्धा श्री प्रमोद मणि जी से, और उनसे मिलवाने वाले मेरे को जो थे वो संजय भारद्वाज जी, जो गीता कॉलोनी रहते हैं, और शिरडी जो है निःशुल्क यात्रा ले जाते हैं हर वर्ष। तो
उनका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बाबा जी के रंग में रंगने रंगा, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और जो आज तक मुझे जो है बाबा जी से लोग लगाने में मेरी मदद करते हैं जब भी मुझे, और मैं गुरुजी, मैं जो इनको आदरणीय गुरुजी कहता हूँ श्रद्धेय प्रमोद मेड़ी जी, उनका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो है जो मुझे अपने साथ उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने साथ रखा। जी तो यही मेरा अनुभव था कि जो है बाबा जी ने और भी कई अनुभव रहे लेकिन जो है विशेष अनुभव जो शुरुआती अनुभव था बाबा जी ने अपनी ओर मुझे आकर्षित किया, मुझे अपनी ओर लाया खींचा, जैसे चित्र में लिखा है कि बाबा जी ने कहा भी है, वचन भी दिया है कि मैं अपने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ जैसे बाज अपनी ओर खींचता है, चिड़ियों को अपनी ओर खींचता है, वैसे मैं आकर्षित करता हूँ अपनी ओर। जी वही वचन वही वही बात जो है आज सिद्ध होती है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम। कहते हैं बाबा पे ऐसे ही विश्वास रखो तो बाबा आपको हर जगह सफल बनाएंगे। यदि आप भी हमसे कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, मिलते हैं थोड़ी देर में।